कार्तिकेय बाबा ने तारकासुर का संहार किया, तारकासुर को मारा। एक बात बहुत अच्छे से अपने अंदर उतार कर रखिएगा, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की जो पूर्णिमा है, उस बीच में कार्तिक महीने की जब शिवरात्रि आए या प्रदोष व्रत आए, थोड़ा ध्यान देना। ये उन लोगों के लिए है जो एक रुपये कमाते हैं, सवाया खर्च होता है घर में, जिनके संपदा जुड़ती नहीं, बीमारियों में पैसा ज़्यादा जाता हो, या कहीं ना कहीं तकलीफें अपनी ज़िंदगी में आती, उसके लिए शिव आराधना कार्तिक महीने की थोड़ा ध्यान से श्रवण करें। वैसे तो कार्तिक महीने में जो 3 नवंबर से 9 नवंबर तक ब्रज की भूमि में कोसी कला में जो शिव महापुराण की कथा है 2 बजे से 5 बजे तक, उसमें हम वर्णन करेंगे ही गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण की कथा में। फिर भी और हमारा निवेदन, जो ब्रज के नजदीक में रहते हैं, ब्रज की भूमि में कार्तिक महीने में पहली बार शिव महापुराण की कथा होने जा रही है, जो ब्रज के नजदीक में रहते हैं वो बड़े भाव से सुनने के लिए अवश्य पधारें। जो उसके नजदीक में रह रहे हैं, जिनको ब्रज रज में बैठकर सर्वेश्वर भगवान कृष्ण की रज में महेश्वर भगवान शंकर की कथा जिनको सुनना है वो सुनेंगे। कार्तिक के महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना। अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो कार्तिक में, 4-5 जो सोमवार पड़े उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवाधिदेव महादेव के ऊपर, ये 2 जगह पर अवश्य चढ़ा। 1 महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े उसमें अवश्य चढ़ा। बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है जम के बोलो जरा, अशोक सुंदरी की जगह पर। और शमी पत्र कहाँ चढ़ाना है, देवाधिदेव महादेव के। एक बार चढ़ाकर देखो, आपके जीवन का जो आनंद है, जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं, कार्तिक का जो महीना है भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के लिए मूल है। इस षडानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार किया था, तारकासुर को जब मार दिया था, तो 33 कोटि देवताओं ने षडानंद कार्तिकेय जी को वर प्रदान किया। कार्तिकेय जी को वर प्राप्त हुआ, तो लक्ष्मी जी ने और भगवान नारायण ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, ए स्कंद देव, ए कार्तिकेय, कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। कार्तिक महीने के दीप दान की महत्वता जैसे ही लक्ष्मी और नारायण ने कही, तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए माँ पार्वती के साथ में, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए माँ ब्रह्माणी के साथ में। उन्होंने वर प्रदान कर दिया षडानंद कार्तिकेय, भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ
आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवाधिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा। षडानंद कार्तिकेय, इस कार्तिक के महीने में देवाधिदेव महादेव कहते हैं उसके यहाँ कुबेर का भंडार शिव भर देते हैं। एक शमी पत्र, फिर समझिएगा ये जो बेल पत्र है ये आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी वाली जगह पर। कहाँ समर्पित करेंगे? अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र आप समर्पित करेंगे देवाधिदेव महादेव के ऊपर। बस इसमें एक चीज का स्मरण अपने को करना है, जब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो मुख है ये महादेव के जो खाली स्थान है, खाली वाली जगह उसे ओर होगा। शमी पत्र की जो डंडी का मुख है इसी की ओर, जिस ओर तुमने बेलपत्र चढ़ाया है उसी ओर शमी पत्र की भी डंडी का मुख उसी ओर होगा। जहां पर आप बेलपत्र की डंडी का मुख रख रहे हैं उसी ओर शमी पत्र की डंडी का भी मुख उसी ओर होगा। तो देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, माँ जगत जननी जगदम्बा, श्री ब्रह्मदेव ब्रह्माणी षडानंद कार्तिकेय को वर प्रदान कर दे। समय आता है, आगे वर्णन आया, तारकासुर के तीन पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। और ये तीनों पुत्र हैं ये बड़े विकराल, बड़े प्रबल। इनको मालूम पड़ा कि हमारे पिताजी शांत हो गए तो पिता के शांत होने का इनने बदला नहीं लिया, इन्होंने भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करी। तप कर कर ब्रह्मा जी से वर मांगा, करने जाओ पूरा घर का व्यक्ति एक साथ मत जाओ, ये शिव पुराण सिखाते। किसी नदी में स्नान करने जाओ, घर का पूरा व्यक्ति एक साथ मत जाओ, घर में किसी का न किसी का रहना जरूरी है, ये शिव पुराण सिखाती है हमको। षडानंद कार्तिकेय चले गए, तारकासुर के तीनों बेटों ने उपद्रव मचाया। जो उपद्रव मचाया, देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना करी, भगवान शंकर ने जाकर तीन पुरियों को भस्म कर दिया। तीन पुरियों को जैसे ही भस्म करा, शंकर जी का नाम त्रिपुरारी हो गया। भगवान शंकर जब त्रिपुरारी बन गए, आगे वर्णन आया, शंकर जी से प्रार्थना करी, बाबा इन तीनों का संहार करिए। देवाधिदेव महादेव ने देवताओं से कहा कि तुम सब पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। भगवान एक बड़े नंदी का रूप धारण कर लिए और भगवान शिव ने एक बड़े नंदी का रूप धारण कर देवताओं से कहा तुम पशु बनो। देवता पशु बनकर भागने लगे, भगवान शंकर पीछे पीछे उनके भागने लगे। देवताओं से भगवान शंकर ने कहा पशु बनकर जाना, तीनों पुरियों में प्रवेश कर जाना, तीनों पुरियों के राजाओं को एक जगह इकट्ठा कर लेना, मैं उनका संहार कर दूंगा। तीनों पुरियों के राजा एक जगह एकत्रित हो गए। शंकर भगवान बड़े नंदी का रूप लेकर उनको मारने के लिए सींग से पछाड़ने लगे। जैसे तारकाक्ष विदुम्माली को पछाड़ा, नीचे से कमलाक्ष की निकल गया, उसने फरसा उठाकर शंकर भगवान का सिर काट दिया। बड़े नंदी का रूप देवाधिदेव महादेव लिए थे, जैसे ही पशु भगवान पशुपति बनकर जो गए थे, उनका जो सिर कटा वो नेपाल में जाकर गिर गया, धड़ केदार में जाकर गिर गया, तो केदारेश्वर हो गए, और शीश गिरा नेपाल में तो पशुपति नाथ, भगवान शिव पशुपति नाथ। शंकर जी ने देखा कि ऐसे मरने वाले नहीं है, शिव जी अपने असली स्वरूप में आ गए। हाथ में त्रिशूल लेकर देवाधिदेव महादेव ने तारकाक्ष विदुम्माली को मारा, पीछे से कमलाक्ष फिर आया, शंकर भगवान ने उसी त्रिशूल के पीछे के नोक से कमलाक्ष की को मार दिया। तीनों के प्राण छूट गए, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, चारों तरफ आनंद की अनुभूति हो गई। बोल पशुपतिनाथ भगवान की, हर हर महादेव, बोल बम का नारा है।
सारी समस्या का हल शिव तत्व की प्राप्ति हो गई जानकर देवताओं ने आनंद पाया। भगवान शंकर जी ने पाशुपत्य अस्त्र और पाशुपत्य व्रत दोनों को प्रकट किया। क्या क्या चीज प्रकट करी जम के बोलो जरा। पाशुपत्य अस्त्र और पाशुपति व्रत। पशुपति व्रत की विधानता कही, पांच सोमवार का व्रत, पूजा की थाली जो लगती है वो शाम को भी वही जाती है, छह दिए, प्रसाद का भाग, मंदिर में जाकर तीन हिस्से होना, छह दिए को रखकर पांच दिए प्रज्वलित करना, तीन हिस्से प्रसाद के हो जाएं तो दो हिस्सों को छोड़ देना मंदिर में, एक हिस्से को, और जो बिना जला हुआ दिया है उसको वापिस अपनी थाली में रख लेना बाबा से प्रार्थना कर कर। छठे नंबर का जो दिया लेकर गए हो अपने घर के दरवाजे में राइट हैंड प्रवेश करते हुए सीधे हाथ की ओर बैठकर घर की ओर मुख कर कर दिए को जला देना। ऐसे भोजन करते समय सबसे पहले बाबा का जो प्रसाद लाए हो उसे खा लेना। ऐसे पांच व्रत होते हैं। पांचवें व्रत में जब पूरा व्रत होए तब श्रीफल भेंट और कुछ भी एक स्वाद दाने चावल के हों, फूल हो, पंखड़ी हो, पत्ती हो, बाबा को समर्पित, बाबा से प्रार्थना, बाबा मैंने आपके पशुपति व्रत करे हैं, स्वीकार करना बाबा। पशुपति व्रत के चलते चलते पांच व्रत के अंदर अगर कभी जिंदगी में अपने क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा 200-300 किलोमीटर दूर भी हो रही हो तो एक बार सुनकर जरूर आना, बाबा आपके मन की मुराद को पूर्ण जरूर कर देता। आप में से भी कई माताओं के पशुपति व्रत होंगे हैं, कईयों के होंगे, और उस बीच में आपको ये पांच दिन की शिव महापुराण की कथा में एक दिन की भी अगर कथा मिली है तो समझना कि बाबा की कृपा आप पर हुई है, ये शिव तत्व। पांच पशुपति व्रत का महत्व। गणेश जी महाराज का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो रहा है। कल कथा पीपल का एक पत्ता, उस पत्ते पर थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल। पूर्णिमा की रात्रि को अपने हाथ में लेकर अपने नैनों से लगाकर शरीर पर से स्वयं उतारकर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण होने पर उस चावल को दूसरे दिन सूंघकर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। महाराज कितने भी रोग से ग्रसित हो गए, पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है। महाराज बहुत ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष हूं।